आप हालात किस कदर इस वक्त हैं और लगातार नजर बनी हुई है। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड की, बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी सर, बहुत स्वागत है आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर और क्या कोशिशें की जा रही है? लगातार जिस प्रकार से रेड अलर्ट हमारे उत्तराखंड के लिए जारी किया गया था जी, और आप जानते हैं हमारा पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र जहाँ लगातार अतिवृष्टि बादल फटने की ये घटनाएं हो रही है, ऐसे में चाहे मेरे टिहरी जनपद के एक जगह पे जहाँ बादल फटने की घटना हुई, इसमें 3 लोग की डेथ हुई, ऐसी केदारनाथ मार्ग में आप जानते हैं वहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लगातार भूस्खलन हो रहा है जी, अनेकों यात्रियों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो पत्थर गिरने का सिलसिला है वो जारी है। यानी कि अभी भी हम लोग अलर्ट मोड में हैं, सरकार हमारी अलर्ट मोड पे है, हमारे अधिकारी पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और यात्रा को फिलहाल जो केदारनाथ की यात्रा जो कि आप जानते हैं कि रास्ते कई जगह से अवरुद्ध हुए हैं, तो यात्रियों को रोकने की सलाह दी गई है। सर अभी कितने श्रद्धालु फंसे हैं कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए एग्जैक्ट फिगर बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन लगातार मौसम जैसे ही ठीक होता है तो उनको रेस्क्यू करने का काम निरंतर जारी है, क्योंकि यात्रियों की संख्या लगातार जिस तरह से बढ़ रही है हमारे यहाँ, हम उनको रोक भी रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने का मकसद भी यही होता है, लेकिन फिर भी लगातार जिस प्रकार से हमारे यात्रियों का आवागमन रहता है तो एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन रेस्क्यू हम लगातार कर रहे हैं ताकि हमारे यात्रियों को हम सकुशल वहां से निकाल सके। और सर जहाँ ये यात्री फंसे हैं वहाँ उनको क्या सुविधा दी जा रही है, क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक वो वहाँ पर फंसे रह सकते हैं? देखिए जिला प्रशासन को पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी हमारे इस प्रकार की यात्री कहीं भी फंसते हैं, रुकते हैं या रोका जाता है, उनको भोजन का, रुकने का, खाने का या और जो भी व्यवस्था उनके लिए हम कर सकते हैं हम करें, यदि हमें कहीं मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी व्यवस्थाएं हम लोग करें, यानी कि यात्रियों की सुरक्षा और उनको बचाने की जो प्राथमिकता हमारी है उसके आधार पर हम ये सब कार्रवाई करते हैं। सर बार बार सरकार अपील कर रही है इन श्रद्धालुओं से कि ये रास्ते अभी ठीक नहीं है या बारिश ज्यादा हो रही है, फिलहाल जहां पर है वहां रुक जाएं, उसके बावजूद ये श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसके लिए कोई और गाइडलाइन भी सामने आएगी, क्योंकि आज जिस तरीके से ये हादसा हुआ है ऐसे में श्रद्धालु नहीं सुन रहे हैं भले ही सरकार अपील कर रही है? नहीं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरह से समझते हैं बात को, क्योंकि हमारे यहाँ जो समस्या है वो सबके सामने है, सर्वविदित है, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको निश्चित रूप से फिर थोड़ा सा अपने दूसरे रूप से भी कहना पड़ता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता पहले श्रद्धालुओं की जान माल की सुरक्षा करना है, उसमें उनको हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें सहयोग प्रदान करें, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं उन्हीं के लिए हैं, यानी यात्रियों की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेवारी है, तो उसको उनको सहयोग करना चाहिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जितने भी आगंतुक, जितने हमारे श्रद्धालु हैं वो हमारी बात को समझेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि अभी जो श्रद्धालु फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है वहां जो श्रद्धालु फंसे हैं उनके लिए तमाम इंतजाम करने के लिए, लेकिन क्योंकि मलबा लगातार आ रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, और बार बार श्रद्धालुओं से ये अपील भी की जा रही है कि लैंडस्लाइड हो रहा है, मलबा दिख रहा है, इस वजह से फिलहाल या तो अपनी यात्रा को स्थगित कर दें या फिर जहां भी चेतावनी जारी की गई है वहीं पर वो रुक जाएं, क्योंकि ये मलबा लगातार गिरता है तो यात्री फंसे रहते हैं। और फिलहाल आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है ये आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले, लेकिन कोशिश ये की जा रही है जितने श्रद्धालु फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके, अभी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता लेकिन सभी श्रद्धालुओं को निकालने की पूरी कोशिशें जारी है। तो सोनप्रयाग में आई तबाही से हालात अब ज्यादा बदतर हो गए हैं, हालांकि मौके पर एसडीआरएफ भी मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ भी मौके पर मौजूद है, धस गई है सड़क, लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपको बताएं ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो ड्रोन से निगरानी की जा रही है, धस गई है सड़क भी, पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, एसडीआरएफ मौके पर मौजूद है।
केदारनाथ सोनप्रयाग रेस्क्यू पॉइंट पर लगातार दरक रहे पहाड़। केदारनाथ में 2000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर। ये तमाम टीमें अभी यहां वॉच किए हुए हैं कि स्थिति बेहतर होगी, उसके बाद रेस्क्यू को आगे किया जाएगा। चुनौती इसलिए, अब देखिए फिर से पत्थर गिरना शुरू हो गया है, हल्के पत्थर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं, यही सबसे डरावने हैं, यही चुनौती बढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो नदी से पार करना चाह रहे थे, उनको भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने दूर किया, उनको ये समझाया कि जिस रास्ते वो जा रहे हैं वो मुश्किलों भरा है, यहाँ से एसडीआरएफ एनडीआरएफ उनको बेहतर तरीके से निकालेगी। इसीलिए ये तमाम टीमें यहाँ पर तैनात हैं, इसीलिए हर चीज़ को देख रहे हैं कि अगर ये एक्टिव लैंडस्लाइड रुक जाएगा, थम जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से दोबारा प्रयास किया जाएगा कि तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तस्वीरें उत्तराखंड के सोनप्रयाग की हैं, पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि इस वक्त पहाड़ के हालात क्या होंगे। सोनप्रयाग में रेस्क्यू का काम कितना मुश्किल है आप देख सकते हैं, बार बार यहां लैंडस्लाइड हो रहा है। नदी के बहाव में सड़क पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको भी उनके घर भेजने की तैयारी है। बड़े पैमाने पर इनमें कांवड़िए भी हैं जो पिछले कुछ सालों से केदारनाथ की ओर रुख करने लगे हैं, वो लोग भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं। और अभी एक बड़ा लैंडस्लाइड फिर से एक्टिव हुआ है और फिर से हटने के लिए कहा गया है, यहाँ से तमाम टीमें जो हैं उनको पीछे की ओर हटाया गया है। आप देखिए एसडीआरएफ की टीमें भी पीछे की ओर आ गई हैं और फिर से लगातार देखिए हेलीकॉप्टर से भी जो रेस्क्यू चल रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं और फिर से टीम ने यहाँ से लोगों को पीछे किया है। इसीलिए पीछे किया है क्योंकि दिक्कतें अचानक से बढ़ सकती हैं, पत्थर फिर से गिर रहे हैं, ये इस जगह की सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो पूरा रोड था गौरीकुंड को जाने का, ये गौरीकुंड को जाने वाला रोड पूरी तरीके से टूट चुका है और यहाँ जहाँ पर मैं हूँ ये देखिए एक लंबी दरार आपको नज़र आ रही है। ये एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि ये भी अगर इस तरीके से ये बोल्डर गिरते रहे तो ये भी टूट सकता है, इसीलिए इससे दूर लोगों को किया जा रहा है। आम जो लोग हैं उनको सोनप्रयाग से नीचे ही, पुल से नीचे ही रोका जा रहा है। सिर्फ एसडीआरएफ के जो जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं इस रेस्क्यू को मॉनिटर करने के लिए, इस रेस्क्यू को संपन्न कराने के लिए। नदी में बड़े बड़े बोल्डर नजर आ रहे हैं, पहाड़ों से लैंडस्लाइड की जी न्यूज के कैमरे में लाइव तस्वीरें कैद हुई। आप देखिए फिर से एक लैंडस्लाइड, फिर से आप देख रहे हैं बड़े बोल्डर फिर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं और इसी तरह से दिक्कतें हैं। ये बड़े बोल्डर जब गिरते हैं तो तमाम जो टीमें काम करती हैं उनके लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। मौसम की जो आपने बात की, अभी यहाँ मौसम खुला हुआ नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पर हल्की सी बारिश भी चुनौती पैदा कर देती है, लेकिन कोई बड़ा अत्यधिक बारिश की या भारी बारिश का कोई अलर्ट ऐसा नहीं है, सिर्फ येलो अलर्ट है। लेकिन पहाड़ों पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई बार हल्की बारिश भी चुनौती पैदा करती है। ये पत्थर फिर से गिर रहे हैं, आप देखिए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऐसे पत्थर फिर से गिर रहे हैं और इसीलिए ये जो रेस्क्यू की स्पीड है वो रोकी गई है, इसीलिए ये रेस्क्यू को रोका गया है। ये गतिविधियाँ जब शांत हो जाएंगी उसके बाद ही ये रेस्क्यू आगे के लिए दोबारा से जारी किया जाएगा। लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का रेस्क्यू सबसे बड़ी चुनौती है। इन तस्वीरों में देखिए लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। एक नया पहाड़ फिर से लैंडस्लाइड में एक्टिव हो गया है। ठीक सामने देखिए किस तरह से एक बड़ा पहाड़, बड़े बोल्डर फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड एक्टिव हो चुका है इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं और ये देखिए किस तरह से बड़े चट्टान, बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान यहां हैं, एसडीआरएफ के जवान यहां हैं, इनकी यही कोशिश है कि जो रास्तों में फंसे हैं कम से कम उनको समय रहते नीचे निकाल लिया जाए। और ये पत्थर लगातार एक्टिव हैं, ये लैंडस्लाइड लगातार एक्टिव है। अभी भी जो तमाम लोग, करीब 500 से ज़्यादा लोग दूसरी ओर फंसे हुए हैं, डिस्टेंस करीब 30 से 40 मीटर की है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहाड़ की एक ऊंचाई पर जाना होगा, उसके बाद वहां से नीचे इनको लाया जा रहा है। ये रास्ता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बनाया था और जब लैंडस्लाइड होता है तो धड़कनें बढ़ती हैं ताकि समय रहते जो ऊपर फंसे हैं उनको निकाल लिया जाए।